आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग जो करेंगे वो क्या करेंगे, हमारा छठा पॉइंट होगा कन्वर्जन का। और छठा पॉइंट हमारा क्या है, ये जो है वो है हेक्साडेसिमल से किसमें कन्वर्जन करना है, डेसिमल में करना है। हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट किसमें करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं हेक्साडेसिमल एग्जाम्पल के तौर पे, आसान सा नंबर लेते हैं। चलिए ले लेते हैं हम लोग, चलिए मान ले लेते हैं 21 ले लेते हैं, ठीक है। अब 21 क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जिसका बेस क्या होगा, 10 होगा। हेक्साडेसिमल है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। फिर से पुरानी बात याद करिए, मैंने आपसे क्या कहा था, जब किसी भी नंबर को, ध्यान से सुन लीजिए, अंतिम बार बता रहा हूँ, जब किसी भी नंबर को आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, तो आप जिसको कन्वर्ट, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा क्या है ये हेक्साडेसिमल, तो इसका पावर क्या, इसका बेस क्या होगा, 16 होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर है ना, जो हमारे पास नंबर है उस हम लोग क्या करते हैं, इसको लेफ्ट साइड में प्रोसीड करते हैं और इसके पावर को असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आरोही क्रम में हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करते रहते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें, उसका डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट होती है। जैसे देखते हैं, आइए 21 है, अब यहाँ पे 16 है, तो क्या करेंगे, 16 की पावर 0 प्लस 16 की पावर 1, यही तो करना है और क्या, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या होगा, 16 की पावर 0 है, तो यानी कि 1 इंटू 1, यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 16 की पावर 1, यानी कि 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 क्या होता है, 32 होता है, प्लस 1 इज इक्वल टू 33। किस में कन्वर्ट किया इसको मैंने, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आई है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन आइए और देखते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, एक क्वेश्चन आइए और देखते हैं, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन वो भी है, हमारे एग्जाम्स में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अभी पिछली बार ओ लेवल के एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन यहीं से आए थे, जिसमें हमें हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, जिसमें एक क्वेश्चन जो मैं आपको अभी लिख रहा हूँ आप भी लिखेगा, क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट ए सिक्स नाइन बेस 16 इंटू इंटू डेसिमल नंबर, इंटू डेसिमल नंबर, कन्वर्ट A69 बेस 16 इंटू डेसिमल नंबर। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कोई बात नहीं, A की वैल्यू तुम्हें पता है ना, क्या होती है A की वैल्यू, A का मतलब होता है 10 होता है, A का मतलब होता है 10 होता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग तुरंत तुरंत समझ लेते हैं, हम तो इतना समझ गए हम लोग, A है, 6 है, 9 है, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 की पावर 0 से, 6 को किस में करेंगे, 16 की पावर 1 से, और इसमें कितने करेंगे, 16 की पावर 2 से करेंगे, ठीक है। आइए करते हैं, फटाफट करते हैं, अब क्या करते हैं, हाँ आइए, यहाँ पे क्या हो गया, 9 16 की पावर 0 1 होती है, 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 16 इंटू 6 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या होगा, 16 का स्क्वायर का था 256 होता है, इंटू ए मतलब 10 है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, अगर 256 है तो 2560 प्लस 16 थोड़ा सोचिए 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 सोचिए, 16 6 जा कितना होता है, 96 होता है, प्लस 9, टोटल आपकी कितनी वैल्यू टोटल आपकी वैल्यू आएगी, वो आएगी 266 आ गया, सॉरी 266 क्या, 2665 आएगा, ठीक है, हाँ 2665 आएगा, और बेस कितना होगा इसका, बेस होगा इसका, चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इसका बेस होगा 10 होगा। ये बात समझ में आई, एक वीडियो मैं आपके लिए अलग से बनाऊंगा, जिसमें आपको सारे में पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस को एक साथ सारा करा दूंगा, जब हम लोग ये डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करेंगे, या ऑक्टल को डेसिमल में करेंगे, या ऑक्टल को बाइनरी में करेंगे, बाइनरी को ऑक्टल में करेंगे, तो सारे के जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट में कुछ करना नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 8 को ऐड कर देते हैं, इसी में ऐड करते हैं, दूसरा क्वेश्चन बताएं बताइए, हाँ इसी में ऐड कर देते हैं, ये तो हो गया होगा, ये बात समझ में भी आ गई होगी आपके, इसी में मैं एक ऐड कर देता हूँ, एक इसे मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ये होता,
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ये होता ए सिक्स नाइन पॉइंट, मतलब पॉइंट मैंने लगा दिया और पॉइंट एट का बेस 16 को कन्वर्ट करना था डेसिमल में, तब क्या होगा? यहाँ तक की वैल्यू तो हमें पता थी, अब पॉइंट एट है तो पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो वैल्यूज़ हमारे पास पॉइंट के राइट साइड होंगे उसे हम लोग क्या करते हैं, उसमें पावर माइनस करते हैं, और जो वैल्यूज़ हमारे पास प्लस होते इधर होते हैं इसमें वैल्यूज़ को हम लोग प्लस करते हैं। बात चूँकि यहाँ पे क्या था, हमारे पास नाइन था, सिक्स था और ए था, ए बोले तो टेन था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारी 16 इंटू जीरो, 16 इंटू वन, 16 इंटू टू की, अब यहाँ पर करेंगे 16 की पावर माइनस वन करेंगे, है कितना 8 है, तो 16 की पावर माइनस वन मतलब क्या होता है, 16 की पावर माइनस वन बराबर होता है 1/16, तो जब 1/16 तो वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 0.5, 1/16 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग सिर्फ इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 हो गया, तो जो पूरा वैल्यू हमारा आया था वो आया था 2665 आया था, 0.5 और कर दीजिए, ये आपकी वैल्यू होगी, इसका बेस कितना होगा 10 होगा। बात समझ में आई, मीन्स डेसिमल से अगर आप राइट साइड शिफ्ट होंगे तो आपकी जो पावर है वो माइनस होगी, और डेसिमल से अगर आप लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जैसा कि हम लोग होते आ रहे हैं तो उसकी हमारे पास वैल्यू क्या होगी, प्लस पॉइंट होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।